हेलो वेलकम टू स्टडीज आज हम इस वीडियो में सी ए पी एफ ए सी ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए स्ट्रेटजी फॉर इकॉनमी विद प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखेंगे देखो इकोनॉमी बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है चैलेंजिंग इन द सेंस ये नहीं होता है, क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशनल uh, सिस्टम है खास करके जैसे मैं यूपी uh, और बिहार वगैरह में सिचुएशन यदि देखता था मैं अपने टाइम में ही देखता था तो क्लास में हम लोग का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में आयदर होता था एडवांस मैथमेटिक्स या इकोनॉमी लड़कों को लिए या तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते थे या एडवांस मैथमेटिक्स ले सकते थे एक ट्रेंड ऐसा था ना कि जो एडवांस मैथमेटिक्स लेते थे उन्हें समझा जाता था टैलेंटेड स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स लेते थे उन्हें समझा जाता था कि नहीं इसको ज्यादा नहीं आता क्योंकि वो चीजें जब सोचती थी कि चलो कुछ चीजें रट लो और वो पास कर जाओ लेकिन एडवांस मैथ का मतलब है कि हाँ बच्चा अच्छा है तो हम खुद आज सोचते हैं तब मुझे खुद एडवांस मैथ मैंने लिया था और इनफैक्ट मैं जाता इससे पहले कि कुछ बोलता कि वहाँ कलर्क ने पूछा कि क्या रखना है एडवांस मैथ या इकोनॉमिक्स तो जो टीचर है मुझे जानते थे उन्होंने बोला ऐसा है ये लड़का पढ़ने वाला है इसको एडवांस मैथ दीजिए तो तो ये चीजें जो होती है कि कहीं कहीं ना तो हम हम शुरू से ही उस चीज इंटरेस्ट को डेवलप नहीं कर पाते हैं तो ये चीजें प्रॉब्लम यहाँ होती है तो बेटर है हम कुछ जो चीजें हैं कि बेस से आपको देखना है कि क्या करना है और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो उसके बारे में बताएंगे देखो यहाँ भी हमने 2012 से लेकर के 2019 तक लिया है तो फॉर्चूनेटली एक इंटरेस्टिंग देखो मैंने 2 इयर्स uh, 2012 और 13 दोनों दिया और दोनों क्वालीफाई किया और uh, इसमें सबसे कम क्वेश्चन 2012 में और हाईएस्ट क्वेश्चन 2013 में आया तो 13 में मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे पेपर 1 में 129 आए थे तो 129 एक अच्छा ही मार्क्स था ठीक है तो 2000 तो,

कुछ क्वेश्चन इसमें इकोनॉमी में है वो पॉलिटी में कंसीडर होगा ज्योग्राफी वाला टीचर बोलेगा कि ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है तो ये चीजें जो है कि हमको उससे मतलब नहीं है हमें एट द एंड ऑफ द डे मतलब क्या है कि हमें मतलब है कि वो क्वेश्चन बनने चाहिए अब जस्ट इमेजिन करो बजट है तो बजट उस अनुसार पोलिटी का टीचर होगा बोले पोलिटी का वो पार्ट है क्योंकि तो वो पूरे गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है उसमें पार्लियामेंट का पार्टिसिपेशन होता है और ऑल ची, चीजें होती है तो हमें उसमें के लफड़े में मत जाना नहीं जाना है हमें ये देखना है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस जो हैं हाँ इकोनॉमी कोर इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं हाँ देखो ये 2018 और 19 इन दोनों ईयर में कोर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ जो कोर डीप एक तरह से जैसे आप प्रॉपर देखोगे कि इलास्टिसिटी वगैरह हो गया फिर आपका आ, जो आ, ये है मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लायर इलास्टिसिटी ये सब जो है ये कोर कंसेप्ट में आते हैं ठीक है तो ये इस टू इयर्स में पूछे गए और इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए नो डाउट वो बनने वाला बहुत मुश्किल था अदरवाइज देखोगे कि जो बहुत सारे होते हैं वो मिक्स टाइप के होते हैं कि उसे आप ही पॉलिटी वाले टीचर्स हैं पॉलिटी में ट्रीट कर सकते हैं और ज्योग्राफी वाले कुछ क्वेश्चन है ज्योग्राफी में ट्रीट कर सकते हैं लेकिन आप यदि देखोगे तो मिनिमम वही है कि सिक्स है और मैक्सिमम ट्वेंटी वन फिर देखोगे आप टेन uh, एट अब देखो एटलीस्ट इस ईयर में देखो तो थर्टीन फोर्टीन अलेवन टेन थर्टीन फोर्टीन तो ये हम मान के चल रहे हैं कि देखो मैक्सिमम जो ऑन एन एवरेज यदि आप देखोगे तो डबल डिजिट में क्वेश्चन है तो ये आपके प्रीवियस ईयर के मैंने जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं नो no डाउट इस ईयर में आपके कोर क्वेश्चंस आए कि जो कोर इकोनॉमी कंसेप्ट से आते हैं देखो बुक्स को आपको क्या कंसीडर करना है इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक फॉर क्लास अलेवन तो सॉरी क्लास नाइन तो ये आपका बेसिक देखो एनसीआर की ब्यूटी ये है ना कि कहानी टाइप का आपको सिखाया जाता है सीता और गीता दो बहनें थी बहुत सारी चीजें कुछ चीजें इं, इंटरेस्टिंग चीजें बॉक्स में दे दिया जाएगा कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है कि आपको एक्टिविटी दे दिया जाएगा कि आप इस चीज को करें तो आपका एनसीआरटी देखो नाइन तो नाइन में है क्या है कि नॉर्मली है टू डेज टू डेज में आपको पढ़ लेना है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास टेन का इसको टू डेज लगाओ, 9, 10 का जो है मैक्सिमम फाइव डेज में कंबाइंड ये दोनों करके आप फाइव डेज में कंप्लीट कर लो अब मेन ये होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास अलेवन तो अलेवन वाला ये जो है ये आपका प्री इंडिपेंडेंस इंडिया से लेकर के आपका करेंट सिचुएशन तो में ऑब्वियसली बात है इतनी जल्दी अपडेट्स नहीं होता है कुछ पहले तक का आपको चीजें दिया होगा कि एक तरह से इंडियन इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुआ ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया उसके बाद हम डिफरेंट फेजेज में हम इकोनॉमी uh, को किस ढंग से मूव किए तो कुछ उसमें बेसिक कंसेप्ट भी मिल जाएंगे कुछ डेटा भी मिल जाएंगे कुछ अंडरस्टैंडिंग भी और उन अंडरस्टैंडिंग को आप आ, यूज कर सकते हो ऐसे वगैरह में कभी कभी जैसे देखो क्या होता ना कि कुछ लोग डिमांड करते ना कि शॉर्ट नोट्स दे दिया जाए मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह इसी वजह से प्रीफर नहीं करता हूँ ना कि आप एनसीआर की बुक्स को प्रॉपर तरीका से पढ़ो तो आपका पेपर टू में बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा पेपर टू में भी आपका ये बहुत ज्यादा उपयोगी होगा तो इस चीज को आप करोगे जैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये या फिर आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास टेन ये ऐसे वगैरह में रिपोर्ट राइटिंग में बहुत अच्छा आपको काम आएगा आर्गुमेंट्स में तो पेपर टू के लिए भी ये बहुत अच्छा है तो आप इसको पढ़ लोगे फिर है देखो क्लास ट्वेल्थ में दो बुक होता है एक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक इंट्रोडक्टरी माइक्रो तो देखो हमने सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा है माइक्रो में आप क्या करना फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेना माइक्रो में जो है फर्स्ट चैप्टर सिर्फ पढ़ लेना है और माइक्रो वाला जो है आपको फुल पढ़ना है माइक्रो हमने लिखा नहीं है लेकिन आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ लो और देखो आज के डेट में है ना कि एनसीईआरटी वगैरह की बुक आपको ऑनलाइन फ्री मिल जाती है और वो ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके जाओगे ऑब्वियसली दूसरे जगह भी मिल जाएगा लेकिन उसके ऑफिशियल वेबसाइट्स में प्रॉपर तरीका से आपको वो बुक मिल जाएगा एटलीस्ट जैसे है नहीं कुछ है तो मोबाइल में भी आप डाउनलोड करके उस बुक को पढ़ लो अब ये कर लेते हो तो ये जो एनसीआर देखो बहुत सारी चीजें ना आप लुसेंट भी जीके कर लोगे तो काम चल जाएगा जो जीके का लूसेंट है उसका इंडियन इकोनॉमी जो पोर्शन है उसको भी कर लोगे तो काम चल जाएगा लेकिन क्या है ना कि आप होलिस्टिक वे में देखोगे तो आपका पेपर टू में भी एग्जाम के लिए हमेशा सिर्फ ये नहीं सकते हो। कुछ है मैं खुद अपना देखता हूं तो ऐसा नहीं है कि पेपर वन में हाँ नो डाउट जैसे मैं जिस बार फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ तो 129 पेपर वन में आया था मार्क्स तो पेपर टू ठीक ठाक चलो बैलेंस कर लिया था इनफैक्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व में मेरे पेपर वन पेपर टू में ज्यादा अच्छा मार्क्स था लेकिन ये चीजें जो है कि और इंटरव्यू तो हमने एवरेज किया क्वालिफाई हो गए अब मान के चलो कि आप फैक्ट्स पढ़ लिए अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन आप देखो डेटा या आप आ, आ, मैंने कुछ कैंडिडेट्स के दिखाए हैं कि पेपर वन एक्सेलेंट पेपर टू बहुत खराब कुछ कैंडिडेट पेपर टू बहुत अच्छा पेपर वन खराब तो आप एवरेज ये करोगे और होलिस्टिक वेब में जब आप अप्रोच करते हो तो आपका दोनों पेपर सही होता है इसी वजह से मैं नोट्स को प्रीफर ही नहीं करने के लिए आप उसका क्या आप करोगे अब ठीक है तो ये आप एनसीआरटी करने के बाद आप लूसेंट का जो जीके है इंडियन इकोनोमी इसको करने के बाद ये वाला करो तो चीजें ये ये कुंजी है तो कुंजी को एक तरह से रिवीजन के तौर पे आप यूज करोगे फिर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो ये है ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे आपको जाते हैं फिर करंट अफेयर्स जैसे अभी निर्मला सीतारमन जी और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के और बहुत सारी चीजें ये करें फिर स्कीम कोई स्कीम क्या चल रहा है और प्रीवियस ईयर पेपर प्रीवियस ईयर पेपर तो आपका जो है रामबान है मैंडेटरी है एक दो क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है वो लास्ट टेन ईयर्स का आपको करना ही चाहिए तो ये कुछ चीजें आपकी थी हमने ये डिस्कस किया और एक सबसे है 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 ना फियर फैक्टर जो होता है कि टफ नहीं टफ है आपके कहीं ना कहीं हाफ जो है वो आपके ब्रेन में है तो एक तो उसको पहले मन से निकाल देना है कि ये टफ है दिस इज द थिंग आप अलेवन क्लास नाइन क्लास का स्टार्ट तो करो टेन क्लास का स्टार्ट तो करो आप कहानी के तौर पे आपको अच्छा लगेगा इनफैक्ट नाइन में कोई ऐसा कोर कंसेप्ट है ही नहीं है टेन में कंसेप्ट है तो कंसेप्ट है लेकिन उस सिंपलिस्टिक वे में समझाया गया है कि आपको सही लगेगा ये पूरी की पूरी जो अलेवेंथ वाली है स्टोरी ही है एक तरह से जैसे आप हिस्ट्री का ही पार्ट इसको इसको एक अनुसार देखा जाए तो जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास ये का है ठीक है अलेवेन का वो देखा जाए तो आपका वो हिस्ट्री का ही पार्ट एक तरह से तो ये आपको कर लेना है लूसेंट आप इनको करने के बाद करोगे और बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो ऑब्वियसली बात है आप इन चीजों को समझोगे तो बेटर ही होगा तो ये आपको करना होगा होप एंजॉय दिस सेशन यदि कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और जिनको भी टेस्ट देना है वो केन स्टडीज एस टी टी पी एस केन स्टडीज डॉट कॉम पे जाकर के आप ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए टेस्ट दोनों पेपर का आप दे सकते हैं यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस